सिटी न्यूज वसा जनसेवेचा। आपल्या घरासाठी, दुकानासाठी, व्यवसायासाठी, कॉलेजसाठी, संस्थेसाठी व कुठल्याही प्रकारच्या सुरक्षिततेसाठी अनुभवी व ट्रेन सिक्युरिटी मिळण्याचं आपल्या बुलढाणा शहरातील विश्वासाचे नाव राज सिक्युरिटी ट्रेड बुलढाणा। आमची वैशिष्ट्ये ट्रेन सिक्युरिटी गार्ड्स, बौद्धिक व शारीरिक कौशल्याने समृद्ध, प्रत्येक हालचालींवर करडी नजर, मितभाषी संभाषण कौशल्य, वेळोवेळी गार्ड्सना मार्गदर्शन, तेव्हा निश्चिंत व्हा आणि आपल्या सुरक्षिततेसाठी आजच संपर्क करा राज सिक्युरिटी ट्रेड बुलढाणा। आमचा पत्ता एकता नगर बुलढाणा, संपर्क 8055803416 किंवा 7020220798। देशासाठी योगदान असलेले महापुरुष व्यक्तींना त्यांच्या मोठेपणाला कमी दाखवण्याचे प्रयत्न अनेकदा होत आले आहेत आणि पुढेही होतीलच, मात्र त्यांना फारसा काही फरक पडत नाही। त्यांनी केलेले कार्य, त्यांचे विचार सर्वांसाठी कायमस्वरूपी प्रेरणादायी आहेत असं मत गांधी विचाराचे प्रसारक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ यांनी व्यक्त केले आहेत। काश्मीर ते कन्याकुमारी असा सायकलने प्रवास करून ते परतीच्या मार्गाने दिल्लीकडे निघाले आहेत। दरम्यान बुधवारी ते शेगावात पोहोचले, त्यावेळी चिन्मय विद्यालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो देश की धरोहर को आप नजदीक से देख रहे हैं, ऐसे वक्त में कुछ महापुरुषों के बारे में उनका महत्व कम करने का प्रयत्न हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो खैर देखिए, ऊपर नीचे तो हमेशा होता रहेगा, लोग उसको कम करेंगे और हम जैसे लोग उसको कहेंगे नहीं कम नहीं करना है। ये तो ऐसा चलता जाएगा ऊपर नीचे ऊपर, पर कोई उसको कम कर ही नहीं सकता। जब एक चीज़ किसी ने करी है, जो किसी एक कोई भी होए, लोग अभी शिरडी साईं बाबा को भी कहते हैं भाई वो तो मुस्लिम था, ये था वो था, पर जो भी होए, बात ये जो उसने कही, बात कही वो ग्रेट थी। तुकाराम जी ग्रेट की है, सब ये लोग ने ग्रेट बातें करी हैं। तो कहने का मतलब है पुल डाउन करने के लिए, उनको नीचे खींचने के लिए बहुत से लोग हमेशा होते हैं, ऐसे महात्मा गांधी के लिए भी हैं। तो ये तो दौरा चलता रहेगा। पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर किरण सेठ यांनी देशभरातील नागरिकांमध्ये 3 मुद्द्यांच्या प्रचारासाठी वयाच्या 73 वर्षी श्रीनगर ते कन्याकुमारी अशी सायकल वारी केली आहे। त्यानुसार त्यांनी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सुरुवात केलेली सायकल यात्रा 2023 मध्ये कन्याकुमारीत पोहोचली, तेथून ते परतीला निघाले। दरम्यान त्यांनी संगीत, संस्कृती, कलाक्षेत्रात दिलेल्या योगदानाबद्दल विद्यार्थी आणि पालकांना माहिती व्हावी, हा प्रोत्साहन मिळावे यासाठी चिन्मय विद्यालयामध्ये त्यांना निमंत्रित करण्यात आले। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, पहला उद्देश्य तो सब जानते हैं कि शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, परंतु अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो एक ध्यान बन जाता है। तो वो पहला उद्देश्य है कि सबको बताएं भाई साइकिलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करो एकांत में करने की। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये जो सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ स्पिक में के एक आंदोलन हमने 47 साल पहले IIT दिल्ली में शुरुआत करी थी। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, ऐसी चीज़ों को ले जाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में, ये दूसरा उद्देश्य है, बहुत से वॉलेंटियर्स को जोड़ने के लिए इसके साथ। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, उच्च विचार और साधारण जीवन, इसलिए मैंने जो साइकिल ली है वो साधारण साइकिल है, 7000 रुपये की साइकिल है, उसमें कोई गियर नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है, और करीब करीब 3 जोड़ों कपड़ों के साथ मैंने कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी का सफ़र तय किया। सिटी न्यूज़ बुलढाणा।